हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तंत्र मंत्र रिलेटेड चैनल मंत्रलिपि में आप सबका स्वागत है। जिन लोग इस चैनल में नया आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिया गया नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर में ऑल बटन जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल में हमेशा तंत्र मंत्र टोआ टोट का जड़ी बूटी रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। आप जब भी ऑल बटन के ऊपर में प्रेस करेंगे, मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दो टो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लेकर आया हूँ, जिस मंत्र से आप लोग आपका आसन तो काट कर सकते हैं। अगर आपका आसन किसी ने बांध के रख दिया या आपका ऊपर में किसी ने बंधन करके रख दिया या आपको किसी ने क्लित करके रख दिया या आपका तंत्र मंत्र को किसी ने क्लित करके रख दिया, तो उस क्लित को, उस बंधन को आप काट कर सकते हैं। ये मंत्र का इतना ही पावर है, आप जब भी आपका बंधन को काट करेंगे, जिसने आपका ऊपर क्लित किया है ये उल्टा उसका ऊपर चला जाएगा। ये इसका जो प्रयोग ऐसे ही प्रयोग है इसका। ये जो क्लित होता है, जो बंधन लगाता है, इसका बहुत रीज़न हो सकता है। जैसे आप लोगों को किसी दुष्ट तांत्रिक ने आपका ऊपर बंधन लगा देता है, वो जेलोसी की वजह से। इसीलिए आप लोग, आपका जो आप लोग तंत्र मंत्र का जो आप लोग ज्ञान या अध्ययन कर रहे हैं, आप किसी के सामने भी इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे जो मुझे ये पता है, मुझे वो पता है वगैरह वगैरह। आपके पास जो कुछ भी नॉलेज है, आप वो चीज़ किसी से शेयर मत कीजिए। आप जब भी किसी को शेयर करने के लिए जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा आपका आगे में कोई तांत्रिक होगा, वो आपका तंत्र मंत्र को क्लित कर देगा। और भी बहुत रीज़न हो सकता है, जैसे किसी भी शौशन में या किसी भी मंदिर में, बहुत जगह पर बहुत अघोरी लोग रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं ना, आपको पता नहीं है, आप उनको अच्छा सोच के प्रणाम करने के लिए जाएंगे, आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, उन लोग दूर से देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपका ऊपर किसी अच्छा दैवी शक्ति है, कोई आशीर्वाद है। उन लोग क्या करेंगे ना, आपको आप जब भी प्रणाम करेंगे ना, आपका ऊपर में फूंक मार के आपको सब क्लित कर देगा, आपका तंत्र मंत्र आपका शक्ति को भी क्लित कर देगा। इसीलिए आप लोग देख के प्रणाम करेंगे किसी भी अघोड़ी को, दूर से प्रणाम कर लेंगे, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेंगे, या किसी के पास में भी कोई भी तंत्र मंत्र के बारे में कुछ भी चर्चा आप नहीं करेंगे। आप जब भी चर्चा करने के लिए जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपका आगे वाला कोई तांत्रिक हो सकता है, आपसे बहुत पावरफुल वाला भी हो सकता है। वो आपका मंत्र को, आपका तंत्र को, आपका आसन को भी बांध दे सकता है, आपका तंत्र मंत्र कुछ काम ही नहीं करेगा। इसीलिए आप लोग इसको गुप्त ही रखेंगे, गुप्त रखने से उसका पावर बढ़ेगा और आपका दुश्मन भी कम हो जाएगा, यही मैं बोलना चाहता हूँ। और जो मंत्र जो है, इस मंत्र का इतना ही जो पावर है, इस मंत्र को आप जब भी प्रयोग करेंगे आपका ऊपर में, ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। आप जब भी इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग से आपका ऊपर तो इसका सारा बंधन हट जाएगा, और जिसने भी आपका ऊपर बंधन डाला या क्लित किया है, ये मंत्र का पावर से उल्टा उसका ऊपर ही क्लित पड़ जाएगा, उसका तंत्र मंत्र क्लित हो जाएगा। ये एक स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, और ये मंत्र जो है मुस्लिम मंत्र है। दो मंत्र दे रहा हूँ, पहला वाला मंत्र को आपको मंत्र पाठ करना है और एक बार करके पाठ करना है, एक ठो करके फूक आपको छाती में लगाना है, ऐसे 7 बार पाठ करना है, 60 ठो फूक आपको लगाना है। और दूसरा वाला मंत्र का प्रयोग है, आप मंत्र को पाठ करेंगे, पाठ करने के पहले आपको कुछ, जैसे कुछ सामग्री आपको लेना पड़ेगा, सामग्री कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपको 7 घाट का पानी, मतलब जो नदी होगा ये गंगा होगा, जिस घाट में नहाते हैं, ऐसे 7 जगह देख के 7 घाट का पानी ले लेंगे, जैसे 7 तालाब का पानी आप उठा लेंगे शाम को टाइम में, किसी भी शनिवार या किसी मंगलवार के दिन आप 7 तालाब का या 7 नलकूप का पानी आप ले लेंगे। लेने के बाद जो दूसरा वाला जो मंत्र बोलूँगा, उस मंत्र में इसको 21 बार पाठ करना है और 3 बार फूंक मारना है उस पानी में। फूंक मारने के बाद थोड़ा सा पानी आप पी लेंगे और थोड़ा सा पानी आप रख लेंगे नहाने के लिए, हर दिन नहाने का टाइम में थोड़ा थोड़ा उसमें मिलाकर आप नहा लेंगे। इससे आपका ऊपर में जो भी बंधन रहेगा, बंधन भी कट जाएगा और आपका जो आसन है वो भी खुल जाएगा, आपका सारा क्लित विद्या भी खुल जाएगा। जो पहले वाला जो मंत्र है, ये मंत्र आप देख देख के ही पाठ कर सकते हैं, और इसके बाद आप कंठस्थ कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसको एक बार पाठ करेंगे और एक बार छाती में फूंक मारेंगे, फूंक मारने से ही आपका ऊपर में जो भी बंधन रहेगा वो धीरे धीरे काट जाएगा, और जिसने आपका ऊपर बंधन डाला है ये बंधन उसी के ऊपर चला जाएगा। मंत्र इतना ही पावरफुल है।
आप लोगों को बार बार बोल दे रहा, आप लोग आपका तंत्र मंत्र विद्या को गुप्त रखिए, आप किसी से डिस्कस मत कीजिए। जिस जगह पर भी आज आप जाएंगे, किसी भी अघोड़ी हो या कोई भी हो, उनको दूर से प्रणाम करेंगे। आपको अगर लगेगा वो अच्छा आदमी है तभी आप उनको प्रणाम कीजिए पैर छू के, नहीं तो दूर से प्रणाम कर लीजिए, वही सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी का जो ज़माना है, हर कोई हर किसी का दुश्मन बन जा रहा है, सब अपना पावर दिखा रहा है। तो इसीलिए आप जब भी, आप छोटा है, आप जब भी उनको प्रणाम करने के लिए जाएंगे, वो आपको क्लिक कर देगा। आपके पास अगर कोई अभी अच्छा शक्ति होगा तो क्लिक कर देगा, ही कर देगा। इसलिए आप लोग दूर से उनको प्रणाम कीजिए। तो मंत्र को मैं पाठ करके सुना दे रहा हूँ, पहला वाला मंत्र, और इसको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दूंगा, आप लोग देख कर कंठस्थ कर लेंगे, आप लिख लेंगे आपका डायरी में। मंत्र है बिस्मिल्लाते कुल्लाहु अल्लाह आमार नय दरजा षोलो कोटी अठारो मुकाम मध्य जेको उपरी आत्मशीबान कुज्ञान कुमंते आसिया जदि कर भर आल्लार कसम नबीजर केल्ला काटिया उल्टा बने जे कड़िया आछे तार देहर मध्य पर इल आल्लाह इल आमार नय दरजा षोलो कोटी अठारो मुकामेर मारलाम बज्रेर खिल जदि खिल लड़े चढ़े जाए सत्तर कोटी देवदानव नबी रसुल दोजखेर आगुने खाए। यही है मंत्र। मंत्र को मैं और एक बार पाठ करके सुना दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाते कुल्लाहु अल्लाह आमार नय दरजा षोलो कोटी अठारो मुकामेर मध्य जेको उपरी आत्मशीबान कुज्ञान कुमंती आसिया जदि कर भर आल्लार कसम नबीजी केल्ला काटिया उल्टा बने जे कड़िया चला देहर मध्य पर इल आल्लाह इल आमार नय दरजा षोलो कोटी अठारो मुकामेर मारलाम बज्रेर खिल जदि खिल लड़े चढ़े जाए सत्तर कोटी देवदानव नबी रसुल दोजखेर आगुने खाए। यही है मंत्र। इस मंत्र में आप अगर खुद के लिए करेंगे तो वहाँ पर अमर जगह पर तो सेम रहेगा, अगर और किसी के लिए करेंगे तो वहाँ पर और किसी का नाम उल्लेख करेंगे। तो मंत्र में दो जगह में अमर उल्लेख है, तो दो जगह में अमर आप अगर और किसी के लिए करेंगे तो वहाँ पर उसका नाम आप उल्लेख कर लेंगे तो हो जाएगा। यही है मंत्र। इस मंत्र को आपको एक बार पाठ करना है और एक बार छाती में फूंक मारना है। ऐसे आप किसी भी जगह पर जाइए इस मंत्र को पाठ करके, आपका ऊपर कोई भी तांत्रिक किसी भी बुरी शक्ति आपका ऊपर प्रभाव हो नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो मंत्र है, ये मंत्र में इतना ही पावर है जो आपका ऊपर में ये मंत्र खुद का तरफ से प्रोटेक्ट करेगा, और कोई भी आपका ऊपर में कुछ भी प्रयोग करेगा तो उल्टा उसका जो चीज़ वो भेजेगा उसका चीज़ में वो खुद ख़त्म हो जाएगा। आपका ऊपर बंधन लगाएगा तो बंधन उसके पास ही चला जाएगा लौट के। यही मंत्र। और दूसरा वाला जो मंत्र है, इस मंत्र को आपको सात घाट का पानी लेना है। जिस घाट में नहाता है लोग, किसी भी नदी में हो किसी भी गंगा में हो, ऐसे देख देख कर सातों घाट का पानी आपको शाम को टाइम में उठा कर लेना है, किसी भी शनिवार या किसी मंगलवार के दिन। उठा लाने के बाद किसी भी लोटा में, तांबे का हो या पीतल का लोटा हो, लोटा में इस मंत्र को आपको 21 बार पाठ करना है। लोटा के ऊपर में 21 बार पाठ करने के बाद इस मंत्र को 21 बार पाठ करने के बाद तीन बार फूंक मारना है उस पानी में। फूंक मारने के बाद उस पानी को थोड़ा सा आपको पी लेना है, और बाकी जो पानी रहेगा थोड़ा सा आपको नहाने के लिए रख लेना है, और जो पानी बचा रहेगा उसको आपका आसन का ऊपर में और घर में इधर उधर आप छिड़क लेंगे पानी को। जो मंत्र है, मंत्र को मैं पाठ करके सुना दे रहा हूँ। ओं शांकां सुरिनार छुआ ओं बीस खुं बीस झारं माने कुरम बीस देवी कुरम बीस झारं सहस्र काला कुफरी जादू बीस झारं आमार केयार सर्व बीस एई पानी पड़ाय एकशो आसट जाति पागल बीस बोर्मार ज्ञाने करं पानी ओंकार छुआ। मंत्र को मैं और एक बार पाठ करके सुना दे रहा हूँ। ओं शांकां सुरिनार छुआ ओं बीस खुं बीस झारं माने कुरम बीस देवी कुरम बीस झारं सहस्र काला कुफरी जादू बीस झारं आमार केयार सर्व बीस एई पानी पड़ाय एकशो आसट जाति पागल बीस ब्रह्मार ज्ञाने करं पानी ओंकार छुआ। यही है मंत्र। इस मंत्र में आप अगर खुद के लिए प्रयोग करेंगे तो अमर जगह पर सेम ही रहेगा, और किसी के लिए प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर और किसी का नाम उल्लेख कर लेंगे। यही है मंत्र। और यही मंत्र का पूरा विधि, इस वीडियो का जानकारी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जिन लोग इस चैनल में नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट भी कीजिए, लाइक भी करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता तारा।